बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज आपके साथ मज़ेदार से तंदूरी नान शेयर करेंगे और इसको हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ। और ये तंदूर से कहीं ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होंगे और कहीं ज़्यादा टेस्टी और फ्रेश बनेंगे। तो आज इस रेसिपी को आप एंड तक देखिएगा और मज़ेदार से सॉफ्ट नान बनाने का ये तरीका बहुत ही आसान है और आप इसको बहुत ही इजी तरीके से घर में बना सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे इसकी डो तैयार करेंगे। 2 कप मैंने मैदा ले लिया है। वेट में अगर इसकी हम मेजरिंग करते हैं तो 400 ग्राम है। 1 टीस्पून इसके अंदर हम डाल देंगे बेकिंग सोडा और 1.5 टीस्पून इसके अंदर हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा 1 छोटा चम्मच डाला है और बेकिंग पाउडर 1.5 चम्मच डाला है छोटे वाला। तो अब इसके साथ डाल देंगे 1 छोटा चम्मच डाल देंगे हम चीनी का और 1 छोटा चम्मच ही हम डाल देंगे यहाँ पर नमक का। तो अब इन सारी जो ड्राई चीज़ें हैं हमारी, इनको हम आटे में पहले मिक्स कर लेते हैं ताकि अच्छे से ये सारी जो है ड्राई चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगी। तो फिर इसकी हम डो तैयार करेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे दही इसकी राइजिंग के लिए। दही अगर थोड़ा सा खट्टा हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ मैंने 1/3 कप दही यूज़ किया है और 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। इसको मिक्स कर लेंगे पहले। अब हाथों से मिक्स करते हुए इसकी हम डो तैयार करेंगे। इसकी डो के लिए मैं यहाँ पर नीम गर्म पानी यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए, हाथों से मैंने इसको पहले मिक्स किया। अब यहाँ पर 1 कप तकरीबन इसमें पानी यूज़ होगा। थोड़ा सा पानी इसमें बच जाएगा, 1 कप पूरा नहीं लगेगा। यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से इसकी डो हमने बना ली है। इसकी डो हम बनाएंगे बहुत सॉफ्ट बनेगी। अब यहाँ पर ये देखिए, इसको मैं ऑयल लगा कर रख दूँगी 2 से 3 घंटे तक। इसको हम टाइम देंगे क्योंकि इसमें हमने ईस्ट का तो इस्तेमाल नहीं किया है, तो 2 से 3 घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, तकरीबन 2.5 घंटे के लिए मैंने इसे छोड़ा था और इसकी डो जो है अच्छे से ये सॉफ्ट हो गई है और अच्छे से राइज़ हो गई है क्योंकि यहाँ पर हमने ईस्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, दही से हमने इसको राइज़ किया है। तो दही जो है थोड़ा टाइम लेती है। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको हम इस तरीके से बाउल में ही पटक पटक कर करेंगे, चिकना कर लेंगे। चाहे तो आप काउंटर पर निकाल के कर लें या अगर बाउल बड़ा है तो आप बाउल में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आटा जो है हमारा सेट हो गया है। इसके हमने पोर्शन बना लेने हैं। 4 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। इक्वल साइज़ के पेड़े बनाऊंगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा हो तो आप 5 भी बना सकते हैं इसमें से। वैसे नान हैं थोड़े से थिक होते हैं तो ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर 4 पेड़े मेरे बन चुके हैं। अब इसको मैं ढक के रख दूँगी ताकि ये खुश्क ना हो और इसको एक एक उठाकर हम बनाते जाएंगे। यहाँ पर 1 पेड़ा ले लिया है मैंने। अब इसको हम रोल करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डाल दूँगी गार्लिक चॉप किया हुआ और थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया इसके ऊपर डाल देंगे कि खूबसूरत भी लगे और क्या है कि गार्लिक का हमारे फ्लेवर आए मुँह में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसको हम रोल करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं हम इसको बेलेंगे। जितना मोटा आप इसको बेलेंगे तो मोटा ही बन के हमारा नान तैयार होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं किया और बहुत मोटा भी नहीं किया है। तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, उसी साइज़ के नान बन रहे हैं जैसा कि हम तंदूर से लेकर आते हैं। अगर हम इसको स्मॉल साइज़ में बनाएंगे तो ये थोड़े और मोटे हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, तवा जो है हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो तवे को मैंने उल्टा कर दिया है। अगर किसी के तवे पर सीधे पर नहीं बनते हैं तो वो तवा उल्टा करके भी बना सकते हैं। तो मेरे तवे पर सीधे पर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था तो यहाँ पर उल्टा करके मैंने बनाया तो बिल्कुल परफेक्टली ये बन रहा है। यहाँ पर ये देखिए, जब ये बबल्स आने लगेंगे इसके नीचे से सीखेगा तो इसको हम इस तरीके से उठाकर आग पर सेक लेंगे। कितना अच्छे से बबल बन रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं ना, कितनी झटपट से बन जाता है। 1 मिनट भी नहीं लगता और हमारा एक नान बन के मज़े से तैयार हो जाता है। जी देखिए, कितना खूबसूरत सा हमारा ये तंदूर वाला सेम नान तैयार हो गया है और बहुत ही ये सॉफ्ट बनेगा। अब इसको हम ऊपर से लगा देंगे बटर और हमने फ्लेम को अभी बिल्कुल लो किया हुआ है।
अब नीचे से हम इसको आराम से ये इजीली उतर भी जाएगा। अगर ये नीचे से कुक नहीं होगा तो ये टूटेगा, अगर ये कुक हो गया होगा तो ये इजीली निकल आएगा। तो अगर आपका चिपक रहा हो तो आप उसको मज़ीद कुक कर सकते हैं, एक सेकेंड के लिए पका सकते हैं उसको, तो आप उतारिएगा वरना आपके नान जो हैं टूट जाएंगे। दूसरा भी इसी तरीके से बेल कर मैंने उसको इसके ऊपर डाल दिया है। अब देखिए फ़ौरन फ़ौरन से ये बन जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और यहाँ पर ये देखिए कितना इजी है इसको बनाना। अब गरम गरम आप इसको खाइए, सर्व करते जाइए तो आपके खाने वाले हैं जो घर वाले बहुत खुश होंगे कि भैया आज तो तंदूर के नान खा रहे हैं हम घर में मज़े से गरम गरम वो भी। तो ये देखिए एक के बाद एक फटाफट से बनते जाएंगे और हम उतारते जाएंगे इसको। अब आप इन नान को खाइए, नान को खाइए किसी निहारी कोरमे वगैरह कढ़ाइयों के साथ, जिसके साथ खा सकते हैं आप इसको खाइए। बहुत ही टेस्टी ये नान बनते हैं और बहुत सॉफ्ट बनते हैं, तंदूर से कई ज़्यादा सॉफ्ट बनके तैयार होते हैं। आप पीछे का लुक भी इसका देख सकते हैं, इसका बैक साइड भी बिल्कुल तंदूर वाला है और फ्रंट साइड भी बिल्कुल तंदूर वाला नज़र आ रहा है आपको। तो बिल्कुल ईजी वे से मैंने आपके साथ ये शेयर किया है, बहुत ही आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा, बराबर में दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी की अपडेट आपको मिलती रहे और आप उसको ऐसे एंजॉय करते रहें। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना सॉफ्ट ये नान बनके तैयार हुआ है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।